फुल एक्साइटमेंट वाला, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो हम लैपटॉप पे देखने जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल स्लिम फिट मैकबुक एयर के बारे में। तो स्पेक्स और परफॉर्मेंस देखेंगे बाद में, फिलहाल एक काम करते हैं, इस मैकबुक एयर को इसके अंदर से बाहर लेके आते हैं। तो इसका काम हो गया यहाँ पे खत्म, इसको बंद करते हैं साइड में, और हमारे पास यहाँ पे आ गया है मैकबुक एयर हमारे पीछे। तो यहाँ पे ज्यादा स्पेक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, सिंपल इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके ब्यूटी वाले शॉट्स लेंगे और एक्चुअल में फील करेंगे कि ब्यूटी में कितना अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी परफॉर्मेंस और वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी चीरफाड़ करते हैं शुरू। ओहो, इतना टाइम नहीं आपके पास। इसको खोलते हैं, इसको निकालते हैं और करते हैं साइड में, बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चीरफाड़ करनी होगी हमें, तो ये हमने कर दिया। बॉक्स ओपन करने के बाद आपको फील आनी शुरू हो गई होगी, लेकिन फिर भी पूरी फील के लिए इसको धीरे धीरे निकालते हैं बाहर। एंड हियर कम्स योर मैकबुक एयर 13 इंच गोल्डन कलर। तीन कलर ऑप्शन आते हैं, सिल्वर, ग्रे और गोल्डन। तो यहाँ पे पैकेजिंग देख ले तो एप्पल का सिंपल फॉर्मेट है, मैकबुक एयर लिखा हुआ है, एक प्यारा सा मैकबुक बना हुआ है, मैकबुक एयर, मैक एप्पल का लोगो, एप्पल का लोगो, एंड पीछे इसकी जो स्पेक्स हैं वो लिखी गई हैं। बिकॉज यहाँ पे मतलब एक क्लैरिटी मिल जाती है आपको कि आपने क्या एक्चुअल में परचेस किया है। फॉर एग्जांपल 8GB यूनिफाइड मेमोरी, 13 इंच मैकबुक एयर विद एप्पल M1 चिप, बाकी बहुत सारे स्पेक्स हैं वो सब बाद में देखी जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल इस आइकन को पुल करना है एंड होल्ड इट, और ये अपने आप बाहर आता जाएगा। आ गया, ये रहा आपका मैकबुक एयर, इसको यहाँ से पुल करके बाहर निकालना है। अंदर देख ले तो ज्यादा कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एक लीफ मिल जाता है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, कुछ इसके अंदर पढ़ाई लिखाई की चीजें मिल जाती हैं और खोल के पता लगेगा और क्या, एप्पल के गोल्डन वाले स्टिकर्स भी मिल जाते हैं इधर से देखो आप, बिल्कुल गोल्डन। तो ये एप्पल का टाइप सी वाला चार्जर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, टाइप सी टू टाइप सी, तो ये अडेप्टर में किसी भी तरफ से लगा सकते हो आप, रिवर्सिबल ही मान के चलते हैं, एंड योर अडेप्टर इज रेडी। एंड अब आते हैं फाइनली मैकबुक एयर पे। तो एयर को ओपन करने के लिए सिंपल, जस्ट पुल द प्लास्टिक एंड ये आ गया हमारे पास मैकबुक एयर इन गोल्ड। मतलब कलर बहुत ही ज्यादा कमाल का है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लोगो चमक रहा, मतलब पहले जो लाइटिंग वाला लोगो था वो एप्पल ने फाइनली रिमूव कर दिया है। पीछे देख ले तो पीछे कुछ ज्यादा नहीं है, मैक का सीरियल नंबर है, और यहाँ पे कमाल की बात क्या है, यहाँ पे कोई फैन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई फैन के वेंट आपको नहीं दिखते हैं। एंड इसके अलावा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मतलब हैंडी जैसा है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो आईपैड प्रो जो है उससे थोड़ा सा मतलब बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है। यहाँ पे ओपन करने के पहले अगर यहाँ पे पोर्ट देखें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दो USB टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं आप, जो कि एक चार्जिंग के काम आता है और एक आपके डेटा ट्रांसफर के लिए, तो आपको एडिशनल बाहर से कुछ भी पोर्ट खरीदना पड़ेगा। अदर वे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक 3.5mm जैक मिल जाता है, एंड इसके अलावा पूरे मैक में कहीं भी कुछ भी कटआउट देखने को नहीं मिलता है। तो अब आगे यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब ओपन होते ये खुद बताता है कि ये चालू हो गया है, एंड ये आ गया आपका डिस्प्ले, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, बैकलाइट LED अपने आप ऑन हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे की तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रिटर्न की दबाएं। आओ, मुझे चुप होना चाहिए था। यहाँ पे भाषा जो सिलेक्ट करनी है तो हम इंग्लिश कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड डालना है, जिससे आप चाहते हो कि इसमें आप लॉगिन करो हर बार। अगर आप एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना चाहते हो तो एक सिंपल सा पासवर्ड डालो, जो हमने डाल दिया। एंड टच आईडी अगर आपको सेटअप करना है, बिकॉज यहाँ पे एक टच आईडी भी आता है, तो उसे भी कर लेते हैं सेटअप। तो टच आईडी के लिए सिंपल कंटिन्यू, एंड टच आईडी इज फाइनली यहाँ पे रेडी हो गया है, कंटिन्यू करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने इस मैक को पूरे तरीके से मतलब एक एक सेटिंग इनेबल करके इसको फिक्स किया है, ताकि बाद में कुछ करना ना पड़े। एंड इतनी सारी चीजें डालने के बाद फाइनली यहाँ पे आपका मैक पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे बहुत ही कमाल का है जो फर्स्ट इम्प्रेशन है। डिवाइस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जो इसका डिस्प्ले है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है।
वेल सो दैट्स ऑल अबाउट मैकबुक एयर। थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग कर दी है, थोड़े बहुत स्पेक्स बताए हैं और यहाँ पे इसके जो ब्यूटी शॉट्स हैं वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपका प्यार बना रहे ऐसे ही। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।